Good morning students, welcome to TSN Education Channel. This is the first video of class 6 Geography, chapter 5. Major domains of the earth, earth ki major domains. As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Aapne first chapter mein padha tha ki earth hi ek aisa planet hai jahan par life possible hai. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रहते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइफ को पॉसिबल बनाने वाले 3 एलिमेंट जो हैं वाटर लैंड और एयर अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं. द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन. अर्थ का सरफेस एक कॉम्प्लेक्स जोन है विच 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट मीट. जहाँ पर 3 मेन कंपोनेंट एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट, आपस में इंटरेक्ट करते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर. अर्थ का सॉलिड पोर्शन जहाँ पर हम रहते हैं इसे लिथोस्फेयर कहा जाता है. द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमोसफेयर. गैसियस लेयर्स जो कि अर्थ के सराउंडेड चारों तरफ हैं उसे एटमोसफेयर कहा जाता है. वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज आर फाउंड. जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज मिलती हैं. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस का बिग बहुत जो लार्ज एरिया को वाटर ने कवर किया है. एंड दिस एयर इज एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. इस तरह इस एरिया को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स. यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर में वाटर की सभी फॉर्म्स हैं. दैट इज आइस, आइस की फॉर्म में वाटर और वाटर वेपर की फॉर्म सभी मिलती हैं हाइड्रोस्फीयर में. द बायोस्फीयर इज नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर. बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जहाँ पर वाटर, लैंड और एयर एक साथ मिलते हैं. विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, और लाइफ की सभी फॉर्म बनाते हैं. लिथोस्फीयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. अर्थ के जो सॉलिड पोर्शन है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये अर्थ क्रस्ट के रॉक से और सॉइल की थिन लेयर से बना है. इसमें ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिएंट्स जो एलिमेंट्स भी होते हैं. देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस को 2 मेन डिवीजन में डिवाइड किया गया है. द लार्ज लैंड मैस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स. जो लार्ज लैंड मैसेज होते हैं इसे कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है. एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज, और जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं बहुत, उन्हें ओशियन बेसिन्स कहा जाता है. ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर. जितने भी ओशियंस हैं वर्ल्ड के वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, आर ऑल द लैंड मैसेज कनेक्टेड विथ वन अनदर. क्या जितने भी लैंड मैसेज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एनीवेयर. सभी जितनी भी जगह हैं वहाँ पर जो सी वाटर है उसका लेवल एक जैसा रहता है. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी. लैंड को मेजरमेंट सी के लेवल से किया जाता है. विच इज टेकन एज जीरो, जिसे कि जीरो से लिया जाता है. मेजरमेंट को जीरो से किया जाता है. द हाईएस्ट माउंटेन पीक एट माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल. हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो माउंट एवरेस्ट की 8848 है जो कि सी लेवल से है. द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11022 मीटर्स रिकॉर्डेड एट मेरिना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन. जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है वो 11022 है जो कि मेरिना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन की है. कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट. क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि जो सी की डेप्थ है वो किसी भी अर्थ के हाईएस्ट पॉइंट से ज़्यादा हो सकती है. कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. यहाँ पर 7 मेजर अर्थ पर हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि दीज आर सेपरेटेड बाय वाटर, लार्ज वाटर बॉडीज, जो कि लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेट हैं. दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं 7, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं. लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. आप जो वर्ल्ड का मैप है उसे देखिए और नोटिस कीजिए
कि जो लैंड मासेस के ग्रेटर पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हैं। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, जिसने अर्थ के टोटल लैंड एरिया का 1/3 पार्ट कवर किया है। द कॉन्टिनेंट पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, सॉरी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एशिया इज सेपरेट फ्रॉम यूरोप बाई यूरल माउंटेन्स, एशिया यूरोप से सेपरेट होता है यूरल माउंटेन्स से, जो कि वेस्ट में है। द कम्बाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया, जो भी कम्बाइंड लैंड मास हैं जो कि यूरोप के भी हैं और एशिया के भी हैं, इन्हें यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया, एशिया से बहुत छोटा है, स्मॉलर है यूरोप। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, ये वेस्ट ऑफ एशिया में है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट, यहाँ से आर्कटिक सर्कल पास होता है। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड, ये थ्री साइड से वाटर बॉडीज से बाउंड है। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर और 0° लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट के मिडिल से इक्वेटर और 0° लैटिट्यूड पास होता है। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अफ्रीका का लार्ज पार्ट सिचुएटेड है। लुक एट द फिगर 5.1, यू विल फाइंड दैट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट, ये ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है। द सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ये वर्ल्ड का लार्ज सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, इज लोकेटेड इन अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाई ओशियंस एंड सीज, ये ओशियंस और सीज से ऑल साइड से बाउंड है। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लोज थ्रू अफ्रीका, आपने नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट जो रिवर है नील, ये यहाँ से अफ्रीका से फ्लो होती है, अफ्रीका में फ्लो होती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये साउथ अमेरिका की एक नैरो स्ट्रिप से लिंक है जिसे कि इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह से नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे सिचुएटेड है। थ्री ओशियन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट्स, इस कॉन्टिनेंट्स के पास थ्री ओशियन से कॉन्टिनेंट सराउंड हैं, इसके चारों तरफ थ्री ओशियंस हैं। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथ अमेरिका साउथर्न हेमिस्फीयर पे सिचुएटेड है। विच टू ओशियन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट, जहाँ पर ईस्ट और वेस्ट में टू ओशियंस हैं। द एंडस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन, एंडस जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, यहाँ पर है। रन थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि नॉर्थ से साउथ तक है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन, साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजोन फ्लो होती है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर पे है। इट इज़ सराउंडेड ऑल बाय साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज, इसके चारों तरफ सीज और ओशियंस है। इट इज़ कॉल्ड द आयरलैंड कॉन्टिनेंट, इसे आयरलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, साउदर्न हेमिस्फीयर पर ये बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट एज इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, ये साउथ पोलर रीजन पर लोकेटेड है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स, ये यहाँ पर थिक जो आइस शीट है इसे परमानेंटली कवर की है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पर किसी भी तरह के ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। मैनी कंट्रीज हैव
रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ पर रिसर्च स्टेशन से अंटार्कटिका में, इंडिया इज़ ऑल्सो एज रिसर्च स्टेशन देयर, इंडिया का भी यहाँ पर एक रिसर्च स्टेशन है। देयर आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, जिसका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है।